बड़े हसीन खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं नबी की मजलिस में, सहाबा किराम सितारों की तरह चमकने वाले नबी की मजलिस में बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सहाबा किराम को याद नहीं करते। उसी मजलिस में ऐलान करते हैं, ऐन बिलाल, लोगों बिलाल कहाँ है, बिलाल नहीं दिख रहे हैं। बिलाल जो सर डाले बैठे थे, वो बिलाल जो सर झुकाए बैठे थे, उन्होंने जब अपना नाम सुना तो गर्दन उठाई, कहने लगे लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के नबी मैं तो यहाँ हूँ, मैं भी आपकी नसीहत सुनने आया हूँ। आप जो अभी खुतबा देंगे, आप जो अभी चंद बातें बताएंगे, वो मैं सुनने आया हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगो जानते हो ये कौन है? लोगों ने कहा बिलाल। कहा नहीं, इसके अलावा भी तुम जानते हो ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया आए लोगों ये बिलाल है, मैं जन्नत देख कर आया, मैं जहन्नम देख कर आया, मुझे मेराज हुई, मुझे जिब्रील ने जन्नत और जहन्नम का दौरा कराया। लोगों ये बिलाल है, मैंने जब जन्नत का दौरा किया तो जन्नत के अंदर मुझसे आगे आगे बिलाल चल रहे थे और बिलाल के जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। ये बिलाल है जन्नत के अंदर, जिनके जूतों की आवाज मैंने सुनी। अरे लोगों मालूम है बिलाल को अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी, यानी मुझे ये बता दिया, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लो कि मैंने बिलाल को जन्नत दे दी। यकीन ना आए तो सुन लो बिलाल के जूतों की आवाज, मैंने बिलाल को नहीं देखा लेकिन बिलाल के जूतों की आवाज मेरे कानों में गई, यानी अल्लाह ने मुझे ये बता दिया कि बिलाल जन्नती है। आए बिलाल आज बताओ तुम ऐसा कौन सा नेक काम करते हो? आए बिलाल बताओ आज तुम ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया, जिसकी वजह से जन्नती बताया? बिलाल कहते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, जो सब करते हैं उतना ही हम करते हैं। अल्लाह के रब्बी ने फरमाया बिलाल सोचो, गौर करो, देख लो, समझ लो। नहीं अल्लाह के रसूल, जितना सब अमल करते हैं उतना हम, हाँ एक चीज ऐसी है जो मैंने औरों के अंदर नहीं देखी, अब वो अमल देखो, इधर अब वो अमल देखो क्या था। एक अमल ऐसा है जो मैंने औरों के अंदर नहीं देखा, करते होंगे लोग लेकिन मैंने नहीं देखा। कहा क्या? कहा वो अमल ये है कि मैं बगैर वजू के कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है, मैं फौरन वुजू बना लेता हूं। जब भी मेरा वुजू, जब भी पेशाब किया फौरन वुजू बना लिया, जब भी लैट्रिन की फौरन वुजू बना लिया, जब भी सोकर आंख खुली वुजू बना लिया। इंसानी फितरत है, जब भी हवा पास हुई फौरन मैंने वुजू बना लिया, और वुजू बनाने के बाद मैं जितनी अल्लाह ताला मुझे तौफीक देता है, मैं नमाज ज़रूर पढ़ता हूँ, दो रकात, कभी चार रकात, कभी छः रकात, वक्त जितना होता है मेरे पास मैं दो चार छः आठ रकातें मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, नफिल का अहतमाम ज़रूर करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा बस, आए बिलाल बस यही वो नेक अमल है, आए बिलाल यही वो नेक अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया है, खुशखबरी सुना दी। इतना कहना था, मजमे में एक सहाबी उठते हैं, आए बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई? बिलाल कहते हैं नहीं। क्यों नहीं कर लेते हो? का कैसे कर लूं, मैं इतना काला हूं, इतना काला हूं कि जो लड़की एक बार देखती है रिजेक्ट कर देती है, मेरा रिश्ता नहीं होता। उस सहाबी ने फरमाया ए बिलाल मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं एक नजर तुम्हें अपनी बेटी दिखा देता हूं। वो पानी लेकर आएगी, तुम उसके चेहरे पर और उसकी हाथ की हथेलियों पर एक बार नजर डाल लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए
तो मैं तुम्हें अपनी बेटी निकाह में देने के लिए तैयार। आए बिलाल, मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की तारीफ क्या करूं, मेरी बेटी के बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आ चुके हैं, मेरे मोहल्ले में लोग उसको चांद का टुकड़ा बोलते हैं। उधर से दूसरे उठे, आए बिलाल, पहले इन्होंने कहा इनके यहां जाकर इनकी बेटी देख लो, और अगर पसंद ना आए तो फिर मेरे घर चलो, मेरी बेटी भी एक नजर देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। कौन? बिलाल। रंग कैसा? काला। और काला भी कैसा? हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ होगा, बिलाल कोयले से ज्यादा काले। मोटे होंठ, हबशी लोगों के होते हैं ना मोटे होंठ, जैसे क्रिस गेल के हैं, देखा होगा खेलने वाला खिलाड़ी, मोटे होंठ, ये सब लिखा है। मैं बुराई नहीं, लिखा है, गीबत नहीं है, लिखा है, सिर्फ इसलिए लिखा कि देखो ऐसे होने के बावजूद रिश्ते के लिए काला नहीं देखा जाता था, मोटे होंठ नहीं देखे जाते थे, अमीरी प्रॉपर्टी जमीन और जायदाद नहीं देखी जाती थी, बल्कि क्या देखा जाता था, साहब अपनी बेटी का निकाह करने के लिए बिलाल की दीनदारी देख रहे हैं। आए बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में आ गई तो वो भी नेक अमल करेगी, और वो भी नेक अमल करने वाली बन जाएगी, और मेरी बेटी नेक अमल करने वाली बन गई तो वो जन्नत की हकदार होगी, और मुझे मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ जन्नत में चली जाएगी। और दीनदार लड़के से निकाह करने की वजह से अल्लाह ताला उसके बाप को भी जन्नत दे देगा। ये देखा जाता था, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल, तो लड़की देखने कौन जाता है, व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फोटो मंगा लेते हैं। अब व्हाट्सएप में फोटो जब मंगाओगे तो वो तो बंदरिया भी तुम्हें हीरोइन लगेगी, वो तो इतना लीप पोत के, और जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर की लिपस्टिक, और ये भी भरोसा नहीं कि वो अपनी दे रही है या किसी और की दे रही है, बाद में पता चला कि वो ऐसे है, हमें नहीं देख रही, किसी और को देख रही, किसी और लग रहा है, वो देख रही हमें लेकिन लग रहा किसी और को देख रही। एक बाल्टी उसके ऊपर पानी डाल के देखो, सब पता चल जाएगा कि ओरिजिनल खूबसूरती क्या है और बनावटी क्या है। पेंट की हुई होती है, पेंट की हुई, हम देख क्या रहे हैं, वो क्या देखते थे अपनी बेटियों के लिए, बस अल्लाह के नबी ने इधर कहा और उधर लो मेरी बेटी देख लो, वो कहता मेरी बेटी देख लो, वो कहता मेरी बेटी देख लो, इधर तो सुनने में आया फला आदमी का निकाह इसलिए नहीं हुआ कि लड़का मौलवी था, लड़की ने मना कर दिया, मौलवी से नहीं करेंगे, हाफिज से नहीं करेंगे, या मौलवी हाफिज कुछ नहीं, दाढ़ी रख ली, हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए कि हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, हम हाफिज मौलवी से नहीं करेंगे। ये देखा जाता था, ये अज्ञान हेतु किरत मोह बदांधिकारम न एतस्मिन्नंतरे मलेच्छा चार समन्विता, वो सबको बराबर की नजर से देखेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला गोरा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, सबको बराबर की नजर से देखते थे, सबको बराबर की नजर से।